जी कि नहीं जी कुल्लू मनाली वालों में तो वो पाप बड़ा हो गया, ये तो 500 की मैगियां बेच रहे हैं, तब माँ हिडिंबा ने इनके जी इनके लिए ऐसा किया। फिर बताते हैं कि एक बार चुड़ैल के साथ उनका सामना हुआ। शुरू में देखिए उनको लड़की भाई अच्छा। लड़की भाई लड़की बैठी हुई एक आधा किलोमीटर चलती, फिर वो बड़ी बड़ी होने लगी, वो रुक गए पिताजी, फिर उन्होंने एक सिगरेट निकाली, फिर उसने निकाल दी, बोला इतनी बड़ी सिगरेट चुड़ैल ने, इतनी बड़ी सिगरेट निकाली, तो वो भी पीने लगी। हमारे माछली है बिल्कुल नहीं हरा, ऐसा नहीं होता कुछ भी, देवी दुवी देवता कुछ नहीं होते हैं, ये तो ऐसे ही है बस दिखावा है। जैसे जो बच्चे होते थे मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनको जैसे मारते थे, जो उनकी माँ होती थी ना उनका दूध निकाल के वो पीते थे। मेरा एक सवाल था, जैसे ना जैसे माता जब आपके अंदर आती है ना, उसके बाद आपको फिजिकली पेन भी होता है कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि शरीर कुछ टूटा वगैरह, कि ऐसा मैं सुनी है ऐसी बातें, पर ऐसा होता है कि नहीं होता थोड़ा सा बताएं। जो गर्भवती लेडीज होती थी बोला वो जैसे मर गई और बच्चा भी पेट में मर गया, तो गर्भवती महिला बनती थी बोले चुड़ैल, जो पेट में बच्चा मर जाता था वो बनता था गिट्ठू राक्षस। गिट्ठू राक्षस जी, कुछ लोग बोलते हैं माता हिडिंबा राक्षसी थी, राक्षसी थी, राक्षसी थी। हाँ ये तो बहुत बहुत सुना मैंने तो। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, घटोत्कच पैदा नहीं होता तो महाभारत का खात्मा नहीं होना था, धर्म की जीत नहीं होनी थी। माता हिडिंबा ने चुनौती दी है मनाली वासियों को, कुल्लू वासियों को, कि तुम लोग सुधर जाओ नहीं तो मैं गंगा माँ को अपने चरणों में लाके रहूंगी। तो रात हो गई जंगल में, तो फिर उसको वहाँ पे चुड़ैल ने पकड़ लिया बोला। अच्छा, फिर चुड़ैल ने बस उसको उसके साथ जैसे ब्याह रचाया कुछ भी किया होना अपने पास रखा, बोला इससे टांग के। तो दोस्तों आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड मेरे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ है हमारे माँ हिडिंबा के गुर, हमारे देवीचंद जी। और बचपन से हम लोग जब हमें घर वाले जब देवी देवता के पास ले जाते थे तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि हम बड़े उत्सुक होते थे कि क्या होता है जब भगवान जी गुर के द्वारा हमें बातें बताते थे, तो उन चीज़ों को सुनना हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगता था और बहुत सारी उत्सुकताएं भी होती थी। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे सवाल आपके सामने और जवाब आपके सामने मिलेंगे, तो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं देवीचंद जी का, एक बार जोरदार तालियां। जय माँ हिडिंबा, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। सबसे पहले तो माता हिडिंबा की जयकार, जिनकी वजह से मेरा वजूद है और जिसकी वजह से मैं चल रहा हूँ। उसके बाद रघुनाथ महाराज जी के चरणों में मेरा नमन, बिजली महादेव के चरणों में मेरा नमन, समस्त 18 करोड़ देवी देवता के चरणों में मेरा नमन। और मैं बहुत ही आपका धन्यवादी हूँ जो आपने मुझे अपने शो में बुलाया। अभी तक का और इस वीडियो का मैं बड़े पहले से इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऐसी मेरे यहाँ पर कोई मेहमान ऐसे आए जो हमारे देवी देवताओं से इतने करीब जुड़े हुए हों जी। तो आज की जो पॉडकास्ट है वो बड़ी ज्ञान वाली होने वाली है हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए भी। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे जैसे गुर कैसे बने। तो जैसे मेरा तो पहले आम जिंदगी होती जैसे वैसी थी, जैसे बच्चों की तरह इंजॉय अपना जिंदगी में खेल कूद, पर इस तरफ मेरा कोई फोकस नहीं था। अच्छा, कि मैं भी गुर बनूँ। इससे पहले मेरे पिताजी गुर थे, फिर उनके पिताजी गुर थे, उनसे पहले कोई एक गूंगा गुर था हमारा। अच्छा, उससे पहले तीर्थू थे, द्वालू थे, ऐसे ऐसे नाम के गुरु जी रहे जी। जो तो आपके परिवार से ही सारे गुरु जी, मतलब जी परिवार से रहे, जो मैंने आपको बता रहा दो चार आपको नाम बताए, ये तो मुझे जहाँ तक पता ये वहाँ तक बता रहा हूँ आपको। दादाजी रहे, उनको ऐसे उनका नाम था चंचलू राम। अच्छा जी। तो मतलब प्यार से सभी उन्हें कहते थे कालू राम, फिर वो तो आज भी उनका नाम प्रसिद्ध है आपके सुल्तानपुर में, आप जाओ रघुनाथपुर में तो आज भी लोग जानते उन्हें। तो उसके बाद पिताजी वो रहे, उनका समय काल रहा, उनके जैसे वो उनके होते हुए ही मैं गुर निकला। अच्छा 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 जी। उनके होते हुए आपकी क्या एज थी जब आपको? एज मेरी जब मैं गुर बना तो मेरी एज थी ऐसे लगभग 19-20 के करीब। अच्छा, तो आपको कितने साल हो गए अभी? अभी तो मुझे 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। और मतलब प्रॉपर आपको पूरा मंदिर संभालते हुए 8 साल? जी जी, 8 साल हो गए। जैसे ना जैसे देवता को जैसे आपके अंदर माँ हिडिंबा जब आते हैं जी, तब उसके बाद का क्या जैसा ऐसा रहता है कि जैसे आपको बातें याद रहती है जैसे माँ बोलती है जी,
उसके जब आप वचन देते हो ना उसके बाद बातें बताते हो, आपको वो चीज़ें बाद में याद रहती है? जी जी, तो देखिए एक स्पिरिचुअल पावर होती है, है ना, इसके बारे में मतलब ध्यान मतलब नहीं रखा जाता कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा है। पर जो एक जैसे लाइट नहीं होती, जैसे करंट आ गया लाइट जल गई, ये उस टाइप का होता है। जैसे मतलब आप आह्वान करेंगे, करंट आएगा, लाइट आएगी, फिर आपका शरीर अनकॉन्शियस होगा, फिर आपको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, है ना। पर ये है कि अपना मन दिल जो भी है, शरीर दिमाग, उस माँ के चरणों में रखना पड़ता। बिल्कुल, कि भाई मैं आपका सेवक हूँ, आपके द्वारा ही चला हूँ, आपसे ही मेरा नाम है, आप मेरे एक बादशाह हो, आप मुझे पाल रहे हो, आप मुझे रोटी दे रहे हो, आपके नाम से मैं जी रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। जब उसके ऊपर जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, फिर वो देख रही है सब, है ना, ये वो माँ है, वो तो सब जानती है, वो तो कण कण में विलीप्त है, वो तो कण कण में विलीन है, कण कण में व्याप्त है, है ना। एक बच्चे को मतलब माँ के सामने एक बच्चा ही बन के रहना पड़ता है। अगर आप ऐसा भी हुआ है कि इस जो होती है गौर की जो ये मतलब स्थिति है, इसमें अहंकार भी आ जाता, कभी घमंड भी आ जाता है ना, पर वो मतलब वो किस लिए, वो घमंड अहंकार करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हम बस ये कर्म करने के लिए बने हैं, जो हमने सदकर्म करना माँ के प्रति, इसीलिए तो उसने चुना है हमें। बिल्कुल, कि हम ये कर्म करें, अच्छा सदमार्ग पे चले, धर्म को बढ़ावा करें और माँ का ही गुणगान करें, और हमारे हाथों से मतलब कई सजनों का भला हो, दीन दुखियों की मतलब पीड़ा हर सके माता। तो जो पहला एक्सपीरियंस था ना, जैसे माता ने आपके शरीर में एंट्री ली, तो उसमें कैसा महसूस हुआ? तो पहली बार बताइए वो वाली बात, पहली बार कैसा लगा था? पहली बार तो बहुत ही मतलब मेरे को तीव्र प्रभाव लगा, जैसे एक जो मतलब जैसे मारता ना कोई हथौड़े से, अच्छा वैसा प्रभाव हुआ बिल्कुल। जैसे मेरे पैर सुन थे, मस्तिष्क सुन हो गया, हृदय बिल्कुल, बॉडी पूरी बिल्कुल ठंडी थी, मतलब पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। अच्छा जी, माता जब आपके अंदर आती है ना, और जैसे जो खेल वगैरह आती है जी, उसके बाद आपको फिजिकली पेन भी होता है कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि शरीर कुछ टूटा वगैरह, कि ऐसा मैं सुनी है ऐसी बातें, पर ऐसा होता है कि नहीं होता, थोड़ा सा बताएं। जी ऐसा तो होता है, क्योंकि जो शरीर है ना बिल्कुल ऐसा पूरा जकड़ सा जाता है, है ना, जो हमारी नर्व सिस्टम है बिल्कुल खुंच जाता है, मतलब पता है बिल्कुल ढीला हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये तो माँ की शक्ति, ये तो माँ की लीला है, ये तो यूँ ही जानती है कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। पर हम भी उसके प्रति उतना ही समर्पण है, समर्पित है हम उसके प्रति, कि जिस माँ ने हमें इतना क्या दिया, हम उसके प्रति वो चाहे कुछ भी हो, हम जो हम गूर होता है, जो हमारी जो स्थिति होती है, जो हमारी एक गद्दी होती है, उसने छोड़ दिया होता सब, परिवार क्या, परिवार का मोह, अन्न धन मोह माया, सब उसके चरणों में ही है। और आप तो माँ साक्षात माँ हडिम्बा के गुरु है, तो क्या आपको भी किसी तरह की जैसे चीजें दिखती है, कुछ सुपरनेचुरल पावर की तरह कुछ फील होता है? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताओ। ये तो माँ की कृपा से ही होता है, जब मतलब जो ऐसे तो हम बिल्कुल, मैं आम इंसान हूँ, तब तो सारे नॉर्मल है, तब आपकी तरह मैं बिल्कुल आम इंसान हूँ जो इस समय। पर जब हम उस स्थिति में जाते, उस आवेश में जाते हैं, फिर वो आवेश कुछ अलग होता है, फिर हम उसमें कुछ अलग उसमें आ जाते हैं अनकॉन्शियस टाइप में, फिर उसमें जो माता कराएगी वही सत्य है, फिर हमें उसकी नॉलेज नहीं क्या हुआ क्या नहीं, क्या नहीं हुआ, हाँ। है ना, जो माँ ने बोला वही है, वही है, वो तो पराशक्ति है, उसको तो सब दिख रहा है, वो तो महामाया अनंत स्वरूप है जिसका कोई अंत नहीं है, जगत की जननी है वो। अब जब हडिम्बा माता जब आपके अंदर आते हैं ना, तो उनका मतलब कैसा एक रूप रहता है? क्या बहुत जो कहते हैं उग्र रूप उनका आता है कि शांत रूप आता है, वो कैसा जैसा रूप आता है आपको थोड़ा सा? जैसे देखिए देवी देवता का जो संपर्क होता है वो हर आदमी के साथ है, हर आदमी के अंग संग देवी देवता है। रही बात देवी हडिम्बा की, तो जैसे आप जैसे ऊपर जैसा जहाँ पे माता का मंदिर है, वहाँ पे माता की तपोभूमि है, वहाँ पे माता ने तप किया हुआ है ना जी, उसको गुरुद्वारा भी कहते हैं ना जी। जो आपकी माता हडिम्बा है वो आपके कुलू देश की ये कोठी फाटी की देवता है, मतलब जो हमारी कोठी फाटी है ऊपर बोलते हैं जैसे कोठी की देवी है, हाँ जी, हाँ जी, है ना जी, वहाँ की देवी है। तो इसका स्वरूप ऊपर जो मानते हैं इसको दुर्गा रूप में माना जाता है ना जी, मंदिर में इसका रूप भी वैसा ही है ना जी। फिर वहाँ पे जो माता का मंदिर है, वहाँ के मंदिर को जैसे एक एक पार्लियामेंट नहीं होता, वैसा कहा जाता, गुरुद्वारा कहते हैं माता के मंदिर को। फिर जब भी कोई घाटी में कोई विपदा आएगी, जैसे कोई कुछ भी होगा या बीमारी आ गई या कोई अकाल पड़ गया, तो माता के मंदिर में सभी देवी देवता हाजिरी भरेंगे, तो माता को प्रसन्न करने के लिए वो मतलब
उजागर करेंगे माता को कि भाई आप करो, आप कर, मतलब ये कार्य आपके, हमने आपको सौंपा है। तो मतलब मिनी पार्लियामेंट कहते हैं गुरुद्वारा, जो माता का मंदिर है, जो जैसे माँ का स्वरूप है, माँ सब रूपों में है, वो सौम्य भी है, वो उग्र भी है, वो माँ भी है पालने वाली, मतलब जो इतने मनाली को पाल रही है, इतने मतलब सबको पाल रही है, जो राजा को राजपाठ देने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल, 18 करोड़ों को वरदान देने वाली है, वो संघार भी करती है, वो पालन भी करती है, वो समस्याओं का समाधान भी करती है, वो एक अच्छे जीवन की शुरुआत भी कराती है, धर्म की जीत कराने वाली देवी हिडिंबा महामाया यही है, राज राजेश्वरी राज दादी भी यही है, जिसने राजा को राजपाट दिया, महाभारत काल में धर्म की जीत के लिए इसने अपना परिवार दान किया, सबसे बड़ी दानी माता देवी हिडिंबा कहलाई जाती है, और आज भी इसका नाम है, और इसको वरदान था कलियुग में तेरा ही नाम होगा, तेरा ही बोलबाला होगा, जो इनके पौत्र हुए, जो पौत्र बोलते जिसको खाटू श्याम जी, वो देखो आज भी प्रसिद्ध है, आप राजस्थान जाओ, हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, हर जगह बड़े मंदिर उन्हीं का नाम है, और माता ने उनको पढ़ाया, कुछ अच्छी शिक्षा दी, फिर तभी उनको इतना तपोबल मिला जी, माता ने अपने मतलब धर्म के लिए अपना समर्पण किया, बलिदान दिया परिवार में। और एक चीज़ मैं आपको मतलब थोड़ा क्लियर करना, इस पे ऊपर थोड़ी टिप्पणी करना चाहूँगा, कुछ लोग बोलते हैं माता हिडिंबा राक्षसी थी, राक्षसी थी, राक्षसी थी, हाँ ये तो बहुत बहुत सुना मैंने तो, पर मैं इस बात को थोड़ा उजागर करना चाहूँगा, बिल्कुल, जैसे जो ये लीला हुई, ये लीला हुई सिर्फ ये माता की लीला थी, महामाया की लीला थी, महाभारत में पांडवों की जीत कराने के लिए और धर्म की विजय कराने के लिए ये एक लीला थी। माता ऐसे राक्षसी जो उनका रूप हुआ वो सिर्फ घटोत्कच को पैदा करने के लिए था, और अभी भी लोग मतलब ये कई लोगों की धारणा ऐसी है कि माता तो राक्षसी है, ये राक्षसी नहीं है, ये तो माँ है, राजपाट देने वाली है, ये बलिदान देने वाली है धर्म के लिए, इसने अपना परिवार समर्पित किया, अपना पौत्र ना जी, अपना पुत्र किया बल इसने समर्पण जी जी। तो एक इनका और भी पुत्र, ये किसी को नहीं पता, अच्छा सब लोगों को पता है कि घटोत्कच जी इनके पुत्र हुए, उनके पुत्र बर्बरीक हुए, बस यहीं तक लोगों को पता है, हाँ यहीं तक, मेरे को भी यहीं तक ही पता है। तो बर्बरीक का एक और भी भाई था, अच्छा घटोत्कच के 2 पुत्र हुए जी, जो दूसरे का नाम था अंजन प्रभा, अच्छा हाँ जी, ये किसी को पता नहीं है, नहीं पता, सिर्फ बर्बरीक तक ही लोग सीमित हैं, क्योंकि वो वही 2 इस जो मतलब धर्म की लड़ाई थी इसमें समर्पित हो गए थे। इस खाटू श्याम की स्टोरी तो आपको पता है, बाबा श्याम की, हारे का सहारा बाबा श्याम हारा, क्योंकि ये शब्द माता की टिप्पणी थी कि भाई आप जाओ युद्ध के लिए, आप उस साइड लड़ना जो हार रहा हो, वहीं से ये शब्द मिला है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, और आज भी बिल्कुल विख्यात है ये, आपके राजस्थान जाओ, हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ। और रही बात माता हिडिंबा जी की, उनके भी कई मंदिर देखो, आप कहीं भी जाओ इंडिया में, असम जाओ, नागालैंड जाओ, मतलब दीमापुर जाओ, पंजाब जाओ, बिलासपुर, हिमाचल में ही मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में माता जी के मंदिर है, बिल्कुल, बिलासपुर हो गया, चंबा, फिर कांगड़ा में भी मंदिर है, मंडी भी मंदिर है, फिर जो प्रमुख मंदिर माना जाता है माता हिडिंबा जी का, वो कहते हैं मनाली में प्रमुख मंदिर है, क्योंकि यहीं पे माता जी ने तपस्या की है ना जी, और यहीं पे ये जो इन्होंने तपस्या की, माता जी की, दुर्गा जी की इन्होंने तपस्या की, और ये उसी रूप में विलीन हो गए हैं, है ना जी, आप जाओगे वहाँ पे तो वहाँ पे आपको चरण मिलेंगे, फिर पीछे एक मूर्ति है, पिंडी है माता जी की, मतलब जिस मूर्ति में वो विलीन हो गई है, उस मूर्ति में विलीन हो गई जब उनकी तपस्या सम्पूर्ण हुई। और कुछ लोगों का कहना है कि जो भीम और हिडिंब युद्ध हुआ था वो नेपाल में हुआ था, अच्छा, और आज भी वहाँ पे मंदिर है भूटान देवी करके, भूटान देवी करके कोई मंदिर है, लोगों की धारणा है कि वही वहाँ पे भी अभी भी जो वंशावली चली हुई है, वहीं वहाँ भी अभी भी वंशावली चली है, वो लोग मानते हैं कि यहीं पे हिडिंबा और भीम का युद्ध हुआ। जो जैसे जैसे ही आपका महाभारत काल शुरू हुआ, जो लाक्षागृह से वो जब बच के भागे पांडव, तो वो हिमालय की तरफ आए है ना जी। तो एक दिन जैसे वो आगे जो इनका युद्ध हुआ था, वो स्थान तो मुझे पता नहीं कहाँ हुआ था, फिर जैसे ही माता वो जब स्टोरी आपको पता होगी थोड़ी सी, जब जो 5 पांडव सो रहे थे तो भीम जी उनकी मतलब पैरा कर रहे थे, तो जैसे माता जी जैसे हिडिंबा जी थी, तो उनको जैसे वो पसंद आ गए भीम जी,
कि भाई ये तो अच्छा है बर है, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। वो एक लीला थी बिल्कुल घटोत्कच को पैदा करने की, घटोत्कच को पैदा करने की लीला थी। घटोत्कच पैदा नहीं होता तो महाभारत का खात्मा नहीं होना था, धर्म की जीत नहीं होनी थी ना। बरबरी का अपना बलिदान नहीं देता तो फिर धर्म को हानि थी, वो एक तरफा ही हो जाना था ना। जी है ना, बिल्कुल जी। और माँ ने, माँ एक ऐसी चीज़ है ना, माँ हिडिम्बा, माँ हिडिम्बा ने भगवान को, कृष्ण भगवान को भी दान किया, ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी, भगवान को परिवार दान करना ना जी, वो एक लीला थी। अब आप और पुराणों में देखेंगे तो अलग अलग स्टोरियाँ हैं, कोई वास्तविक है कोई काल्पनिक है, अपनी स्टोरियाँ हैं, पर जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ ये स्टोरी है कि जैसे आपके भीम जी हुए रुद्रांश, हनुमान जी के अंश, सिर्फ भीम जी थे हनुमान जी के अंश, अच्छा है ना जी, हनुमान जी हुए आपके शिव के अंश ना, ये महादेव और पार्वती जी की लीला थी कि मतलब जो पाप था उस टाइम यहाँ पे भूत प्रेतों का राज था, है ना जी, तो माता ने जैसे मतलब धर्म की विजय के लिए और मतलब जो अनिष्टकारक क्या थे भूत पिशाच उनके खात्मे के लिए यही हुआ था, जैसे घटोत्कच पैदा करना था, जैसे धर्म की जीत करानी थी, जैसे जैसे वो राक्षस था हिडिंबा उसका वध भी करना था, है ना जी, और वहाँ पे शांति फैलानी थी जी। जब हमारे यहाँ पर आपदा नहीं आई थी जी, उस समय ना दो चीज़ें बहुत तेजी से वायरल हो रही थी हमारे यहाँ पर, देखो ना सारे कुछ घर के घर बह रहे थे, बाढ़ जैसे बाढ़ की तरह ही हो गया था पूरा सिस्टम। उस समय ना सारे लोग दो चीज़ें शेयर कर रहे थे, एक रील सी बनाई थी उन्होंने कि जी इतना पाप हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, और तो इस करके माँ हिडिंबा ने ये चुनौती दी है कि तुम पाप कम करो नहीं तो ऐसा होगा। और दूसरी एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, शायद आपको याद होगा कि नहीं होगा, सब उसको अंधाधुंध, मैंने तो बिना तथ्य के मैं शेयर नहीं करता जी। मैंने उसको शेयर नहीं किया, हालांकि मैंने पढ़ा उस न्यूज़पेपर की कटिंग में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि माता हिडिंबा ने चुनौती दी है मनाली वासियों को, कुल्लू वासियों को कि तुम लोग सुधर जाओ नहीं तो मैं गंगा माँ को अपने चरणों में ला के रहूंगी। और इवन मेरे दोस्त भी मेरे को फोन करके बताते थे कि यार तुम्हारा तो बोला सिस्टम ठीक नहीं, तुम मत पाप तुम्हारा है बोला, तो मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि क्या है। और आपसे बेहतर, आप माँ हिडिंबा के गुर है, आपसे बेहतर इस तथ्य को क्लियर नहीं कर सकता कोई कि वो सच्चाई थी वो, कि वो ऐसे ही सर्कुलिज्म क्या घुमाया था। जी जी, इस बात का मैं बिल्कुल खनन करता हूँ बिल्कुल कठोर शब्दों से, माता ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है जो माँ आप बोल रहे कि ऐसा माता के द्वारा बोला गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जी। क्योंकि लोगों का जैसे एक होती है ना मानसिकता कि जैसे आपको मैंने पहले ही बोला कि हम अब गिर चुके उन संसाधनों से, ये सोशल मीडिया हो गया, जैसे एक चीज़ अगर वायरल होगी तो बस उसमें चला माता हिडिंबा के लोग भेड़ चाल में इवन अपने बंदे धनाधन शेयर कर रहे हैं। और मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो ना मेरे को न्यूज़पेपर था दिखता पूरा, लेकिन मेरे को ना कुछ गड़बड़ लगी कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है जी। जैसे माँ, देखो माँ तो पालने वाली होती है, माँ तो रक्षा करने वाली होती है, पर ऐसा माता के द्वारा बिल्कुल कभी भी नहीं बोला गया कि मैं ऐसा करूँगी पाप, मतलब ऐसा करूँगी ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और इसी बीच एक और चीज़ हुई थी, जैसे हमारे ना मनाली में जब ये चीज़ हो गई थी तो लोग जैसे मैगी का एक वो भी वायरल हो गया था कि मैगी दे दी जी, 50 की 100 रुपए की मैगी दे दी, 500 की भी कोई कुछ बोल रहे, तो मेरे जो दोस्त थे कुछ बाहर के ना वो मेरे को इस चीज़ से मैसेज कर रहे थे और लोगों ने स्टेटस लगाए हुए थे 500 की मैगी दोगे तो यही हाल होंगे तुम्हारे, मतलब लोग ना चीज़ों को, देखो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा माँ हिडिंबा ने किसी तरह की कोई ना तो न्यूज़पेपर में कटिंग दी थी और ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जो बड़े बड़े चैनल वाले या यूट्यूब चैनल वाले भी आखिरकार बड़े बड़े वो भी इस चीज़ को शेयर कर रहे थे कि नहीं जी कुल्लू मनाली वालों में तो वो पाप बड़ा हो गया, ये तो 500 की मैगियाँ बेच रहे हैं तब माँ हिडिंबा ने इनके लिए ऐसा किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साक्षात हमारे जो गुर है माँ हिडिंबा के, उन्होंने ये बात क्लेरिफाई कर दी सबके लिए, आज भी नेट में वो चीज़ें पड़ी हुई है जी कि भाई इतने की मैगी बेची पाप बढ़ गया, कुल्लू मनाली वाले तो घमंड में आ गए, तो माँ हिडिंबा इनको श्राप दे रही है या इनको वो कर रही है, तो ऐसा ये ऐसा था ये जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। अब देखिए माता ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि माता ने आगाह जरूर किया था इस चीज़ के बारे में कि भाई कुछ मुझे कुछ ऐसा आने वाला है, आने वाला तो प्राकृतिक चीज है, ऐसा कठोर मतलब कुछ बीतने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा जी, वो वैसा बीतने वाला है, आगाह किया था जरूर, लेकिन ऐसा जो ये मैं आपने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि 500 की मैगी बेची आप लोगों ने पाप किया। अब जैसे लोगों का ना जैसे मतलब
भ्रमित कर रहे लोगों को, है ना, ये सोशल मीडिया के माध्यम से। देखो मैं तो ना हाथ जोड़ के सभी अपने कुल्लू मनाली वासियों, हिमाचल वासियों से, पूरे भारत देश से यही बोलता हूँ, देवी देवताओं से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट को ऐसे ही आंखें बंद करके शेयर मत करो, बिल्कुल, है ना। आपको नहीं पता है कि उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है। कई बार न्यूज़पेपर की कटिंग भी ऐसा लगता है कि वो तो न्यूज आज ही छपी है, बिल्कुल, बिना तथ्य के देवी देवताओं के, हमारी देवनीति को ऐसे ही भ्रमित मत करो हमारे लोगों को, और खुद भी भ्रमित ना हो जब तक कि आपको किसी तथ्य का पता ना चले, बिल्कुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। बिल्कुल बिल्कुल सतवचन, बिल्कुल मेरा भी यही आग्रह रहेगा, जो जो आपने बातें बोली है ना जी। माता हिडिंबा पालने वाली, ये तो पाल रही, देखो लोगों को व्यवसाय इसी के नाम से जुड़ा, मनाली में आएंगे तो आप, है ना जी, मनाली में आएंगे तो व्यवसाय इसी के द्वारा चला है, लोग श्रद्धालु सैकड़ों की भीड़ में उमड़े होते हैं माता के मंदिर में। आप माँ हिडिंबा के गुरु हो जी, तो एक ऐसी नॉर्मल जर्नी में ना आपसे, आपकी कभी नेगेटिव एनर्जी, जैसे हो गया डायन चुड़ैल या किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी, ऐसा कोई पाला पड़ा है, कोई ऐसी स्टोरी है? नहीं ऐसी तो नहीं हुई कुछ ना, मतलब जिंदगी में कभी, क्योंकि हम इस लाइन में पड़े नहीं कभी। अच्छा। क्योंकि जैसे मतलब जब जो हमारा बचपन था वो कुछ अलग था, आपको मैंने पहले बोला कि उस समय में इतनी मतलब सोच समझ कर नहीं पता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, पर ऐसा कि पिताजी बताते थे, बताओ जरा कोई स्टोरी कि उनका कोई मतलब साक्षात पाला पड़ा है उस, अच्छा, है ना, मतलब बिल्कुल सामने चुड़ैल थी और वो बिल्कुल उसके सामने थे जी। उस समय ऐसा सब कुछ नहीं था, जैसे लाइट भी वो शौल्य की होती थी, शौल्य होती थी उस टाइम, लाइट का बड़ा बिल्कुल कम प्रावधान होता था, ना ही कोई संपर्क, ना ही कोई जंगली जंगल, बिल्कुल जंगली जंगल, ना ही इतने घर विकसित थे थे मतलब मनाली में, ना ही इतना जैसे होटल टूरिज्म जो भी डेवलपमेंट हुआ आज, इतना कुछ डेवलपमेंट था ही नहीं, ना ही लोग आते थे, अपना वास्तविक जीवन जीते थे लोग, जैसे खाना कमाना उसमें मगन थे, उसमें खुश थे। फिर बताते कि एक बार चुड़ैल के साथ उनका सामना हुआ, अच्छा। कि वो मतलब बोझ लेके, रात का समय था, मतलब ऐसे जो है चांद की रोशनी थी कम, बिल्कुल कम, धीमी रोशनी थी, तो वो चले, उस समय रोड नहीं थे, सड़क थे, बिल्कुल एकांत रास्ता होता था, बिल्कुल उनके पेट में बोझा था, सामान था। फिर वो मतलब राइट साइड में वो चल रहे थे, फिर शुरू में देखी उनको लड़की, लड़की भाई लड़की बैठी हुई, अंधेरा हुआ और मतलब बिल्कुल धीमी सी रोशनी, ये भाई इतनी रात को क्या कर रही है। फिर उन्होंने लेके लगा उसको, वो रात की क्या टाइमिंग हो गया, ऐसे 11-12 बजे? नहीं जल्दी, कम से कम 8:30-9 बजे। अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था ऐसा उन्होंने कहा था कि 8:30-9 बजे थे। अच्छा। फिर उस समय वो मिली उनको, फिर उन्होंने देखा कि लड़की है भाई, फिर ज्यादा उन्होंने पूछताछ नहीं की, वो अपने काम में मस्त थे, बिल्कुल वो चलते रहे, पीठ में बहुत ज्यादा, वो लड़की खड़ी थी कि चल रही? वैसे ही बैठी थी, वो बैठी थी। फिर जैसे वो आगे कुछ चलने लगे, वहां तक उस तक पहुंचे ना, जैसे आप जितनी हमारी दूरी है, ऐसे ही बैठी थी वो। फिर जैसे वहां तक पहुंचे उसके बिल्कुल 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 सामने आ गए वो, वैसे वैसे वो भी चलने लगी साथ साथ में, फिर एक साइड वो चल रहे थे, एक साइड उन्होंने लेखने लगा उसको। अच्छा। कि भाई वो अपने मस्ती में चल रहे थे, फिर जैसे आगे आगे चलते गए, चलती रही चलती, कम से कम 1.5 किलोमीटर चलते, फिर वो बड़ी बड़ी होने लगी है ना जी। फिर जैसे उन्होंने वो फिर वो रुक गए पिताजी, फिर उन्होंने एक सिगरेट निकाली, सिगरेट बीड़ी जो भी, इतने निडर होते थे देखो पूर्व हमारे, सिगरेट बीड़ी निकाल दी, तो फिर ऐसे बैठे फिर से वो आगे को चलने लगे, फिर उसने निकाल दी बोला इतनी बड़ी सिगरेट, चुड़ैल ने इतनी बड़ी सिगरेट निकाली, तो वो भी पीने लगी पिताजी के साथ। फिर वो चलते रहे, फिर तो घबरा गए पिताजी, है ना, ये तो कुछ गड़बड़ है। फिर वो चलते जल्दी जल्दी चलने लगे, फिर जैसे जैसे वो आगे को चल, वो उतनी बढ़ रही थी ऊपर को, फिर बिल्कुल खोखली थी बोला पीछे से। हाँ मैंने बहुत सुना ऐसे कि इनकी पीठ ना पूरी खोखली खोखली थी। वो चलते गए फिर आगे वो मतलब वो आगे दौड़ लगाने लगे, वो भी दौड़ लगाने लगे, फिर आगे से आए बोला मतलब 6-7 कुत्ते ना, फिर उन्होंने फिर उन कुत्तों को देख के वो भाग गई, फिर गायब होगी, मतलब ऊपर की ओर गायब होगी बोला। फिर वो आए बड़ी तेजी से कुत्ते, फिर वो तो देवी देवता का चमत्कार था कि उस समय उन्होंने रक्षा की। फिर आगे वो फिर वो उड़ गई बोला, हवा में उड़ गई, फिर लगी बोला चीखने, बोला छुट्टाड़े जोर जोर चीखे, ये छूट गया मतलब, ये बिल्कुल सत्य कहानी है। फिर जो गर्भवती महिलाएं जैसे एक्सपायर हुई होती थी उस समय, तो आपको पता है कोई इलाज का कोई संसाधन नहीं था, उसमें बहुत हॉस्पिटल भी ऐसे दूर दूर होते थे। जैसे अब तो चलो हर हर चीज़ की सुविधा है, जैसे मतलब आपका सर्जरी करके बच्चों को निकाल, मतलब ऑपरेशन होता है ना, या कोई प्रसव का अच्छा उपकरण निकला हुआ है, हॉस्पिटल जगह जगह है ना,
तो उस समय कुछ नहीं था सर। फिर जो मतलब जो गर्भवती लेडीज होती थी मतलब वो जैसे मर गई और बच्चा भी पेट में मर गया तो गर्भवती महिला बनती थी बोले चुड़ैल, जो पेट में बच्चा मर जाता था वो बनता था गिट्ठू राक्ष। गिट्ठू राक्ष जी, ये उस समय की कहानी है। अब तो धीरे धीरे ना ये हर चीज विलुप्त होने लगी, जैसे डेवलपमेंट हो रही है, चलो हम भी खुश है डेवलपमेंट हो रहे हैं, पर इस डेवलपमेंट की दौड़ से जो हमारा जैसे सांस्कृतिक जीवन है, जो हमारा मतलब पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, ये बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है। हर लोग रेस में लगे, कमाने की रेस में है, कोई आगे निकलने की रेस में है, इसी देवी देवता का जैसे हमारा जो दैविक संस्कृति है इसमें भी थोड़ा कम कम। अब जो लोग आते हैं वो तो सिर्फ, मैं सीधे शब्दों में करता हूँ, मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई चलो टाइम पास ही कर लेते देख के, पर कहीं कहीं तो है ऐसी मतलब जो देवनीति की आस्था है, मतलब जहाँ जहाँ है वहीं वहीं देवनीति आज भी टिकी हुई है, पर कहीं कहीं ये कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अगर मैं चल रहा हूँ रात को जी और अगर मेरे साथ साथ चलती रही हो ना तो मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि उतनी हिम्मत मेरे में होगी कि मैं, पता है मेरे को कि साथ में कोई चीज चल रही है और मैं भी चलता भी रहूं। बिल्कुल। तो मतलब इमेजिन वाली बात है कि बिल्कुल अब हमें वो दम नहीं रहा है, वो क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है। उस समय का देखो खान भी अच्छा होता था, लान पहन बिल्कुल अच्छा अच्छा होता था। अब देखो आज का खान देखो आप, लान पहन देखो बिल्कुल नहीं है अब कुछ। जैसे चुड़ैल जैसे मिलती थी ना, तो मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर उनको वश में कर देते ना, अगर कोई बोलते कि कंगी होती है उनकी बोले कुछ ना, ये एक स्टोरी थी मेरी माता जी सुनाती थी, भाई अगर उनका कंगू निकाल दिया तो फिर वो अपने वश में हो जाती बोला। फिर जो मांगो दे देती है। एक थे बोला मतलब कोई आपके व्यापारी थे बोला ना, हो गए बोला व्यापार करने। अच्छा। फिर व्यापार करते करते बोला वो जंगल का मैं कुछ व्यापार करता हूँ ना, काम करता हूँ या जैसे या जड़ी बूटी या औषधि लाता हूँ ना। फिर वो गया बोला जंगल में कोई व्यापार करने, औषधि लाने पता नहीं कुछ करने। फिर जंगल में होगी उसको रात, फिर है ना वो परिवार से अपने परिवार से बहुत दूर जा आ गया था बोला ये ना मतलब ये कुछ समय के लिए। तो रात हो गई जंगल में, तो फिर उसको वहाँ पे चुड़ैल ने पकड़ लिया बोला। अच्छा। फिर चुड़ैल ने बस उसको उसके साथ जैसे ब्याह रचाया कुछ भी किया होना अपने पास रखा बोला, इससे टांग के एक पहाड़ में गिरने वाले बहुत भयंकर पहाड़ में। अच्छा, टांग के रखो पर। टांग के रखा बोला जैसे मतलब सुबह होती तो बोला इसकी आंखों की रोशनी बंद कर देती थी बोला वो, फिर जाती थी बोला वो घूमने या कुछ भी करने शिकार पर। फिर हो गया बड़ा टाइम बोला इसकी दाढ़ी भी होगी बोला, इतनी बड़ी दाढ़ी होगी बोला, नाखून बाल सब कुछ बढ़ गया बोला उसका। फिर वो वैसा वैसा हुआ, फिर उस साथ बच्चे भी हुए बोला। ऐसी सुनी मैंने भी सुनी है ऐसी कहानी सुनाई है, बाकी तो पता नहीं रियल है कि क्या है, है ना जी। फिर बच्चे भी हुए बोला उसके साथ, उसके बड़े बड़े बच्चे भी बोले। फिर बोला जो सुबह होती थी फिर बोला उसको अंधा कर देती थी वो चुड़ैल, सुरमा लगा देती थी या कुछ कर देती थी। रात को जब आती थी फिर उसके साथ बैठती थी वो जी। फिर एक दिन क्या हो कि एक दिन जल्दी जल्दी भूल गई बोला वो मतलब उसको अंधा करना, तो फिर वो उसको लगा पता कि भाई मैं तो देख रहा हूँ दिन में आज उसको तो दिख रहा है ना। फिर वो बैठी बोला दिन में ऐसी, फिर वो ना फिर उसने उसका कांगू निकाल दिया बोला, फिर अपने बस उसके बस में गई, फिर वो जान छोड़ा के घर पहुंचा बोला। ऐसी स्टोरी सुनी। और मैं एक चीज और ऐड ऑन करूंगा इस चीज में, और मैंने सुना है ना हमारे अभी भी बोला जैसे ऐसी स्टोरियां शायद और भी हुई होंगी ना, जैसे कोई भाग के आ गया तो अभी भी जैसे डायनों के ना बच्चे अभी तक है गई है कई जगह पर जी, जिनका मतलब अभी तो खैर वो तो आम इंसान है हमारी तरह, पर ऐसी भी स्टोरी है कहीं कि वो पहले ऐसा ऐसा हुआ था और वो डायनों का परिवार अभी तक आगे तक अभी तक बढ़ रहा है। पर चलो एक चीज एक बड़ी बात है कि हम लोग देवभूमि में रहते हैं ना, देवभूमि जो मर्जी नेगेटिव एनर्जी आ जाए कुछ आ जाए, देवी देवताओं का इतना आशीर्वाद है ना ऊपर से मन के अंदर वो चीज है। एक्सीडेंट हुआ था मेरा क्लाथ से थोड़ा ऊपर, एक टैंकर के साथ हुआ था। मतलब आप बाइक में थे गाड़ी में थे? मैं स्कूटी चला रहा था उस समय। उस समय टैंकर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, स्कूटी चला रहा था, स्कूटी का मतलब ऐसा चूरा चूरा हो गया था, एक मतलब पुर्जा यहाँ आ गिरा था एक पुर्जा यहाँ, कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो इस स्कूटी में जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बच गया हो। हेलीमेंट देखे थे, हेलीमेंट इतना सा रह गया था चुंबर बन के। उस समय माता ने साक्षात बिल्कुल खड़ी होके मेरी रक्षा की है ना जी, मेरे को उस जो हुआ था उससे बाहर निकाला, और एक महीने के लिए तो मैं पीजीआई में रहा, एक मतलब पीजीआई में तो क्या मतलब एक महीना तो मैं बिल्कुल कोमा में, भूल गया था कौन हूँ मैं, और किसी को यकीन नहीं हुआ कि आज मैं बिल्कुल माँ की सेवा कर रहा हूँ। यही तो शक्ति है माँ की, यही शक्ति देखो आज माँ की सेवा कर रहा हूँ। उस समय बिल्कुल लोगों को देख रहे थे कब ये मरे,
एक साइड पिताजी बीमार, एक साइड मैं बीमार। और मैं आपकी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ कि गुर है ये हमारा जो शरीर है, हम भी एक साधारण व्यक्ति है ना, हमें भी कई कुछ होगा ना जी। ऐसा नहीं कि देवता के आदमी है तो भाई मतलब उनको कुछ ही नहीं होगा, ये तो अमर है, अमृत तो कोई प्राप्त नहीं। जो कर्म की आपको मतलब खेती है वो तो भोगनी पड़ेगी। मतलब गुर अगर कोई गलत भी करता है तो उसको भी उसी टाइम उसको भोगना पड़ेगा जी, वो है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो हुआ फिर एक्सीडेंट हुआ तो एक महीने बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो बैठा था मैं कि मैं कौन हूँ, याद ही नहीं थी कुछ। दूसरा जन्म हुआ आपका? फिर दूसरा जन्म हुआ फिर से जी। फिर उसके बाद जैसे शुद्ध होती गई हालत, फिर जैसे मैंने बताया फिर ये प्लस टू तक मैंने पढ़ाई की और 19-20 की एज में मैं गुर बना। 19-20 की एज में बने जी। फिर मैं माता का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसने चरणों पे रखा। लाइफ में चेंजेस आया होगा कुछ चीज़ें है ना, क्या माँ हिडिंबा ने आपको कुछ तो छूट दी होगी कि आप ये नॉन वेज खा सकते हैं या ऐसा ऐसा कुछ, कैसा है आपको उसके बाद? मतलब पहले जैसे देखिए जैसे हर देवी देवता की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, एक दायरा होता है। जो माता हिडिंबा का दायरा है उसमें इतनी मनाई नहीं है, क्योंकि जो हमारी ये सीट है पोजीशन है इसमें तो हमारे कुछ एक नियम है उनको फॉलो करना पड़ता है। हाँ। कि हमने या जैसे आपको पता ही होगा आप भी एक मतलब इसी में बिल्कुल आप पुजारी फैमिली से होंगे, आप पूज से मतलब चलो गढ़ से, हम तो महादेव के गढ़ से हैं, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। ये मतलब गुरुओं के क्या नियम होंगे, कुछ एक मतलब ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर साझा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल जी, वो हमारे कुछ पर्सनल चीजें होती हैं। वो मैं समझ गया जी। वो हमारा दायरा होता है, सीमाएं होती है, वो उसको हम लांग नहीं कर सकते। और बात करें बिजली महादेव जी की तो हर 12-14 वर्षों के बाद इसे भी माँ के पास आना पड़ता है, ऊपर पड़ता है ना जी। ये इनकी एक जो पुरानी कहावत है कि लोग कहते हैं कि औठर पोई शौठर पोई, वो छोड़ देते बिजली महादेव माता के चरणों में, मतलब पावड़ लेके जाते थे, मतलब जैसे पुराने जमाने में पावड़ लेके जाते वैसे ही बिजली महादेव को जाना पड़ता है। 12 वर्षों के बाद भी वहाँ पे जाना पड़ेगा माता का, और इनका जो संबंध है शिव शक्ति का इसको भी पक्का करना पड़ेगा, इसको भी पक्का करना पड़ता है, और जो रीत है रस्म है इसको भी निभाना पड़ता है। और ठहरे पोई तो शौठरी चोई, ये पावड़ है बिजली महादेव का माता हिडिंबा को है ना जी। फिर उनको भी 12 वर्ष बाद जाना जाता, मतलब वहाँ जाना पड़ता है। फिर जो वहाँ जो माता का मंदिर उसमें खप्पर है, माता का खप्पर है। खप्पर को थोड़ा सा बताओ, खप्पर ये देखिए जब माता को जो मतलब विराट रूप है बिल्कुल संहार करने का रूप, उसमें जब आपको आप ये दुर्गा सप्तशती में पढ़ेंगे तो उसमें जब माता ने ये काली का रूप धारण किया था जैसे रक्त बीज का बदनी हो रहा था, तो माता जी ने मतलब वो आपके लिए काली का रूप धारण किया तो उसमें खप्पर वाला उनके हाथ में खप्पर था, तो जो रक्त बीज हुआ उसकी जैसे भी एक बूंद जमीन में मतलब अगर पड़ गई तो एक और राक्षस पैदा होता था। हाँ मेरे में समझ गया जी, मैं फोटो में कई बार देखा है मैंने वो जी। वैसा ही खप्पर है वहाँ पे जो मंदिर में जैसे, फिर उसको भी वहाँ पे बिजली महादेव को भी वहाँ पे जाना पड़ता है, उस खप्पर को वहाँ पे कुछ देना पड़ता है माँ के पास जी, हर 12 या 14 वर्ष के बाद। और रीत भी है कि 12-14 के बाद इनका मिलन होगा ही, और जगह माता ये बिजली महादेव नहीं जाएंगे पर माता हिडिंबा के वहाँ पे जरूर जाएंगे, फिर इनका मिलन होगा, फिर हमारा गुरुओं का जो देव खेल होती है वो भी होगी, फिर आगे के लिए मतलब प्रस्थान करेंगे बिजली माता, अगले दिन नहाएंगे फिर माता जी से भेंट करने के बाद। बिल्कुल जैसे माता को शक्ति के रूप में माना जाता है कि ये सर्वस्वरूपा विश्वेश्वरी जगन माता कल्याणदायिनी सुशोभना मंगल करनी स्वरूपा माता हिडिंबा त्रिनेत्रा है, यही पार्वती है, यही मतलब नवदुर्गा है, यही दुर्गा, यही चंडी है, यही सब कुछ है, यही अष्टसिद्धि और नौनिधि की दाता है। जैसे उस समय भी जगत सुख से ऊपर गांव आता है बनारा, उस समय वहां पे पीती ठाकुरों का राज था, उन्होंने बहुत आतंक मचाया हुआ था। अच्छा, बड़ा पाप द्रूप करते थे उस समय वहां पे ना, बनारा जगह जयधार बोलते उसको, वहां पे उनका शासन काल था पीती ठाकुरों का, तो उन्होंने बड़ी त्राई त्राई मचा दी थी। जैसे जो बच्चे होते थे मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनको जैसे मारते थे, जो उनकी माँ होती थी ना उनका दूध निकाल के वो पीते थे है ना जी। फिर जैसे बच्चा तो मर गया, फिर जो एक नवजात शिशु की माता जो होती है मादा होती है उसका दूध होगा ही, फिर वो एक मतलब एक कलश में उसको एकत्रित करके फिर वो उन राजाओं को पिलाया मतलब ये पिलाया जाता था, फिर उनको स्वाद लग गया उसका,
फिर वो जैसे कोई नवजात शिशु होता तो उसको छाटते थे, मतलब वहाँ आज भी वो पॉट है वहाँ पे ना, उखल बोलते हैं, उखल उखल, आज भी वो उखल वहाँ पे मौजूद है। फिर माताजी ने देखा कि माताजी तो शक्ति थी, ये तो कुछ भी कर सकती थी। फिर इसने एक लीला और रची, यानी जो आपके कुल्लू के राजा हुए भियंग मणिपाल जी, फिर इसने ये लीला रची। फिर जैसे पाप ध्रुव बढ़ गया तो फिर माता ने देखा कि यहाँ तो पाप हो रहा है बच्चों को, एक नवजात शिशुओं को इतना सारा त्राही त्राही हो रही थी उस समय, बहुत बड़ा पाप हो, उनका शासन शासन था उस समय, वो जो मन मर्जी में आए थे वो करते थे, जो उनकी मन मर्जी में। फिर माता ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है भाई, नवजात शिशुओं की जान ली जा रही है। फिर माता ने कहा कि ये गलत हो रहा है। फिर जो है वहाँ से इस जो ये हुआ उसकी शुरुआत हुई, लीला रची गई। जैसे भियंग मणिपाल आपको पहले ही बताया गया हमारे राजा महेश्वर सिंह के द्वारा, कि वो नीचे से आए मायापुरी से, फिर थे वो राजा के परिवार से ही, फिर वो आए वो तो मतलब कुम्हार के घर नौकरी करने लगे। फिर एक दिन नौकरी करते करते वो बैठ के लेट गए कहीं, तो किसी ने उनकी वो जो पैरों की रेखा देखी, यार ये तो राजा बनेगा, है ना जी। फिर माता जी जैसे उनको फिर प्रकट हुई, फिर एक बिल्कुल बूढ़ी का अपना बेस किया माता जी ने, है ना जी। फिर बूढ़ी का बेस करके तो फिर उसको, क्योंकि राजा को जो था भियंग मणिपाल, उसको उस पंडित ने पहले बोला था कि जो भी यहाँ से आएगा तो भाई उसका सम्मान करी, तेरे के तो राज रेखा, तू यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये कुम्हार के घड़े बेच रहा है, कि तू ये कुम्हार का घड़ा बेचना छोड़ दे, जो यहाँ से आ गया उसकी तू बिल्कुल एक रिस्पेक्ट से सम्मान करी, है ना, जो 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 वो मतलब तेरे से बोलेगा तू वैसा वैसा कर ले, है ना। फिर उसने बोला ठीक है भाई, वो मान गया। फिर तभी एक बूढ़ी आई, वहाँ पे उस समय मेला लगा था, उन राजाओं का ही मेला था वो, अच्छा, है ना जी, वो मतलब बिल्कुल उसमें सब कुछ चल रहा था, कुछ भी होता था ना जी। फिर वो देखी उसने बूढ़िया कि बूढ़िया आ रही भाई, ये किलड़ू लेके, और उसमें सामान था, मतलब सामान क्या मतलब एक लकड़ी का बोझा था, है ना, उसको लेके जा रही थी वो। फिर उसके जो घड़े थे वो थे किल्टे में, जो राजा भियंग मणिपाल हुए, अच्छा, वो किल्टे में थे, हाँ किल्टे में थे। फिर उसने उसके आग्रह किया भाई, उसका सम्मान किया जैसे उसको बोला गया था कि मैंने सम्मान करना है। और बूढ़ी आई बिल्कुल कमजोर सी, बिल्कुल एक बिल्कुल कुबड़ी, बिल्कुल कुबड़ी। फिर उसका सम्मान किया इज्जत की, फिर बोला गया कि भाई मैं दादी, उस समय से ही दादी शब्द है, उस समय से दादी शब्द। स्टोरी तो बहुत लंबी है, अभी एक एक रहस्य आप शॉर्ट में बताओ, और इसी स्टोरी को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं पॉप अप आ जाएगा, आप उस वीडियो में क्लिक कर लेना बाद में, और वो वीडियो पूरी देख लेना, तब तक शॉर्ट में आप सुन लो। जी जी, वो था क्योंकि उसके बाद, क्योंकि ये उसके बाद ले गए उसको ऊपर, फिर जैसे माता ने ऊपर चढ़ा दिया उसको, कि क्योंकि जो मेन मोटिव था उनका संहार करना, इससे ये मतलब जो ये कहानी है राजवंश की वहाँ से शुरू हुई, और जो मेन मोटिव था पाप का अंत, पाप का जैसे बस मतलब खात्मा करना। तो ऊपर ले गए उसको, चलते गया, फिर माता ने अपना भयंकर विराट रूप दिखाया उसको। फिर इतना भयंकर विराट रूप था कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना। ये बात मैंने पहले ही बोली, माँ सभी रूपों में, अगर इसको जैसे देखोगे वैसे पाओगे, अगर सौम्य रूप में देखेंगे तो एक बिल्कुल सौम्य माता है, है ना, जिसके मुखमंडल में एक आभा है, एक समस्त किरणों का एक भूमंडल है। अगर भयंकर रूप में देखेंगे तो ये श्रृंगार करने वाली भी भयंकर शक्ति है, है ना जी। फिर जैसे इतना रूप दिखाया उसको अपने कंधे के ऊपर, और जो मैं आपको मेन स्टोरी बताऊंगा कि उस समय पैदा हुए शिरगनफा, जो नाग बोलते हैं, अच्छा, जो शिरगनफा आज भी बनारा और परिणी गांव में शिरगनफा, उस समय माता जी के जैसे बोलते हैं ना बाजू, इस बाजू में वो मतलब प्रकट हुए, इस बाजू जैसे माता के बाजू सांप बन गए थे। जैसे वो राजा को जैसे वो दिखाया गया कि भाई तेरे को कहाँ तक दिख रहा है, मतलब कंधे के ऊपर बिठा के, फिर उसने बोला कि लिंगटी से नीचे और दाढ़ी लसने के ऊपर, ये बातें आपको पहले बताई। फिर जैसे उसको थोड़ा जैसा लोभ आ गया राजा को कि भाई इतना दिख रहा तो मैं और भी ज़्यादा पाना चाहता हूँ, फिर वो चलने लगा था सिर पे। अच्छा, ये स्टोरी नहीं थी, पता बताओ इसको। सिर के ऊपर चलने लगा तो फिर पैदा हुआ शिरगन और फाली नाग, आज भी ये ऐतिहासिक देवता है आपके, शिरगन और फाली नाग नाम से ही इनको प्रसिद्ध है। अच्छा, भियंग मणिपाल को थोड़ा सा आ गया था कि मैं थोड़ा सा और मांग लूं ऊपर चढ़ जाऊं। फिर वो पैदा हुए उनके हाथ से, फिर उसको निकाला गया से, फिर तब से माना जाता है कि शिरगन और फा जो है नाग है वो माता की बाजू है,
है ना। माँ तो जैसे सर्व रूप में है ना, इसकी मतलब सर्पों का रूप भी इसमें, सब कुछ रूप इसमें है ना। फिर उन्होंने जैसे उसको फिर नीचे निकाला, तब निकाला भाई हुआ वापस। आप वापस, लालच की कोई सीमा नहीं है ना इंसान के। फिर वापस आ गए तो फिर भाई उसको वरदान दिया माता ने, एक भाई तू राज करेगा, शासन करेगा ना जी। फिर राजन, फिर युद्ध हुआ उसका, जो जो आपके पित्ती ठाकुरों थे, ये स्टोरी भी नहीं थी आपको शायद पता कि पित्ती ठाकुरों की बस ये कहानी स्टोरी शुरू हुई थी। हाँ, ये नहीं था मुझे पता पित्ती ठाकुर एक कैसे लोग थे। ये थे कोई शासक थे, ये कोई शासक थे, बोलते पित्ती साइड से आए थे। बोलबाला था उनका, अभी भी उनके महल है वहाँ पे, अगर आप जानकारी लेना चाहो तो ऊपर जाके बहुत ज़्यादा। और अभी भी वो मतलब उनके जो भी है जैसे सैनिक सशस्त्र बल, घोड़ों के खुंडे है ना, जैसे वो पट मैंने बोला आपको उखल, वो सभी आज है, अभी भी मौजूद है वहाँ पे है ना जी। फिर निकाला, फिर उसको भाई वो उसने युद्ध किया फिर पित्ती ठाकुरों से है ना, फिर उनको श्रृंगार किया है ना। फिर जो राजा उनकी जो पहला शासन किया उन्होंने जगत सुख में, जगत सुख में माता ने ये भी वरदान दिया कि यहीं तेरा अनाज पैदा हो गया हो जाएगा। फिर माता ने जो पहली राजधानी बनी है कि राजा की राजधानी, वो जगत सुख है। उसके बाद नगर में आए, नगर से फिर कुल्लू में आए, फिर जो वो पहला शासन चला है राज किया वो है जगत सुख में। अभी भी एक कहावत है, नास्त पोस्त जूरा बनारा ओण दे आओ दियाड़ा ओढ़ी आओ दियाड़ा, ये उस समय की बातें हैं। उस समय राजा का शासन वहीं चला, वहीं पे अनाज की पैदावार हुई, वहीं से शासन चलने लगा। फिर आगे आगे को और स्टोरी बढ़ती गई इसकी, फिर कुल्लू आए, फिर जैसे रघुनाथ जी महाराज आए जी। जी तो स्टार्टिंग भी वहीं से ही हुई थी, वहीं से। बहुत सारे पॉइंट आपने ऐसे बताए जो कि मेरे को नहीं थे पता, अभी लगे मेरे को पता जी। अच्छा एक मेरा, चलो अब तो हमारा समाप्ति की तरफ है हमारी इंटरव्यू आज, पॉडकास्ट आज की, पर एक जो सवाल था ना मेरा ये कि जो माता का जो रथ है ना जी, उसमें उस रथ के उस बारे में थोड़ा सा बताओ कि उसमें देखो जी, उसमें जो मोहरे है वो देवताओं के भी है साथ में। इस बात को भी मैं क्लियर करना चाहता था हाँ। जी, कि जो माता हिडिम्बा का जो रथ है कि जी, ये बना है रघुनाथ जी के आने से बाद ही, क्योंकि जब रघुनाथ जी महाराज कुल्लू देश में आए उसके बाद ही दशहरा बनाया जाने लगा। जो पहले होते थे देवी देवता, वो कल्लू में बास करते थे। आज भी कई जगह जाएंगे तो आपको कल्लू ही मिलेगा। कुछ देवता ऐसे हैं जिनके रथ नहीं है, नहीं वो आज भी कल्लू में ही बास करते हैं। तो जैसे रघुनाथ जी महाराज आए तो जैसे वो उनकी स्टोरी है वो भी आपको बताई गई पहले शो में किसी के द्वारा, राजा साहब के द्वारा, उनके आने का महत्व, जो ये मूर्ति यहाँ पे आई इसका महत्व है ना। ये भी अगर हमारे दर्शक इस बारे में भी जानना चाहते हैं जिन्होंने नहीं देखी है जी, उनके लिए भी वीडियो में ऊपर पॉपअप आ जाएगा जी, पूरी दशहरे की कहानी आप देख सकते हैं, वो देख लेना। तब तक हमारी आगे कंटिन्यू स्टोरी। तो जैसे रघुनाथ जी महाराज आए, दशहरा बनाया जाने लगा है ना जी, जो पूरी कला जो उनकी वहाँ अयोध्या की कलाएं थी वो यहाँ पे होने लगी। जो पंडित भेजा गया था उसने पूरी जो मतलब पूजा आराधना पूजा अर्चन भी थी वो देख ली थी और पूरा प्रोसेस सीख लिया, प्रोसेस उनके क्लियर था कि भाई कैसा करना है, कैसे उनको मतलब कैसे उनके त्यौहार बनाने, कैसे मतलब कैसे उनकी तिथियाँ बनानी, कैसे दशहरा बनाना है जी। और जगह देखोगे आप जब जिस दिन और जगह लास्ट होगा वहाँ यहाँ शुरू हो जाता है, ये उस कारण ही आज भी है कि वहाँ से आगे यहाँ फिर शुरू हुआ। सबसे पहले रघुनाथ जी का वास हुआ मणिकर्ण में, मणिकर्ण के बाद यहाँ रघुनाथपुर में। अच्छा पहले मणिकर्ण में आए थे। ये पहले मणिकर्ण में लाया गया उनको, पहले मणिकर्ण से यहाँ पे है ना जी। अच्छा, फिर जो है जो रथ की शुरुआत फिर माता ने फिर अपने गुर के माध्यम से कहा राजा जी को भाई मैं रथ में बास करना चाहता हूँ। इसके पीछे भी स्टोरी है, ये भी नहीं तो समय लग जाएगा क्या हुआ उस समय, क्यों माता का क्या हुआ। फिर माता ने आज्ञा दी राजा को भाई मैं रथ में बास करना चाहती हूँ ना जी। और जो आपको जो दशहरा होता है सभी देवता आते चाकरी भरने महाराज की, और माता जी को हिडिम्बा माता जी को विशेष आमंत्रण होता है ये दशहरे के लिए। माता जी चाकरी के लिए नहीं आती है, सभी देवी देवता आते चाकरी के लिए, फिर माता जी विशेष महत्व से आती है, फिर विशेष उनकी जो क्रिया करके फिर वापसी होती है माता जी की है ना जी। फिर माता जी ने भाई उसको बोला कि भाई मैं रथ में बास करना चाहती हूँ है ना। फिर राजा को जैसे ही हुक्म मिला, जो पहला मुख मिला ना, जो पहला मुख मिला है माता हिडिम्बा और माता कोटली को, सोहिल को, राज परिवार से माता कोटली और माता हिडिम्बा को, जो माता हिडिम्बा को मुख मिला गया जो मिला था वो था मूछ वाला। अच्छा। क्योंकि आज भी माता जी को विराट रूप के कारण सर्व रूप सभी रूपों को धारण करने के बावजूद बोलते हैं इसको सर्वस्वरूपा
सहस्रमुखी माता और मूछों वाली माता भी बोलते इसको। हाँ, मैं बोली। और ये बात, दूसरी बात ये है कि इस एक ही रथ में मनु जी का भी उसी रथ में बास है। अच्छा, मनु जी का भी उसी रथ में बास। पर कई लोगों को लगता है कि भाई ये सारे मुख मनु जी के हैं और एक ही मोरा माता का है, वैसा नहीं है। वो सभी रूप माता जी के हैं, माता के, हडिम्बा माता के, हडिम्बा माता के रूप है। वो ना मूछ होने के कारण बोलते हैं माता जी को, पिउली मूछ वाली भी बोलते हैं आज भी। हाँ जी, फिर जो रथ, जो जो माता जी का रथ बना, कि भाई उसने हुक्म किया माता जी ने भाई मुझे रथ में बास करना राजा को, फिर राजा ने भी रथ माता को वो दे दिया। फिर उसके पीछे भी स्टोरी है, वो रथ में बास कराया, फिर जो मुख दिया, फिर राज घराने से ही मुख जो मिले हैं माता जी, एक माता हडिम्बा जी को और माता कोटली को, जो माता हडिम्बा को मुख आया वो आया मूछ वाला। फिर तभी से ये प्रथा चली आई। तो मतलब वो जो हम हडिम्बा माता के रथ में जो हम मोहरे देखते हैं, और भी ना कई में मूछे हैं, कई में नहीं है, वो सब माता के, वो हडिम्बा माता का ही जी, माता के रूप है, रूप है सारे, सब माता के रूप है। तो देखो बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी क्लियर होगी, और मुझे लगता है समय हो गया, क्योंकि हमारी जो बातें हैं वो तो जी चलती जाएगी। तो आज के लिए हमें लगता है कि दर्शकों के लिए इतना काफी है। तो आगे ज्ञान के लिए कभी आपको फिर से बुलाएंगे जी। तो पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपका भी धन्यवाद जो आपने आमंत्रण दिया हमें जी। तो मुझे भी अच्छा हुआ, जो कुछ एक जो मेरे मन में भी थी बातें वो भी क्लियर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि ये तो माँ हडिम्बा, बिजली महादेव और नारायण की एक बन जाता ना एक ऐसा कि चलो ये चीजें, ये तो हम तो एक सिर्फ एक प्यादे हैं, बिल्कुल हम तो कठपुतलियां हैं जो हम चल रही है, ऊपर से आदेश तो और जा रहा है कि अब हम सोचेंगे जी हमने ऐसा करना, वैसे नहीं होगा। हम सोचेंगे और जो ऊपर वाले ने सोचा होगा कि आज तुम ये करेंगे भाई, आज तुमने पॉडकास्ट करनी है, आज इंटरव्यू करना, तो आज ही होगा, इससे पहले नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो ये सारी माया है ऊपर वाले की। अब देखिए, मैं तो गुरु हूँ माता जी का, क्योंकि मेरा तो सब कुछ वही है, मैं तो उसके बारे में ही तारीफ करूंगा। पर देवी देवता सभी अपनी उनकी शक्ति है, आप अपनी जगह पे सभी देवी देवता बड़े हैं। पर जो माता हडिम्बा का जो कुछ एक मैंने तथ्य बताया, क्योंकि माता हडिम्बा को कुल देश का एक मुख्य देवी माना जाता है। रघुनाथ जी महाराज जी आते, सबसे पहले तो होती थी पहले माफी ना, जैसे मतलब जो जागीरें होती थी, जैसे जागीरें समझ गया, जैसे भूमि होती थी देवताओं के पास, देवता की उसमें सबसे पहला नंबर आता है रघुनाथ जी महाराज जी का, और जो दूसरे नंबर पे आते हैं आपके बिजली महादेव, और तीसरे नंबर पे आती है माता हडिम्बा। जागीरों के हिसाब से पहले बोलते थे इसको माफी, माफीदार देवते। हाँ, तो ये तीन प्रमुख देवी देवता कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के है ना, उसमें सबसे बड़े आते हैं ये, और देवता भी अब अपने स्थान पे सभी बड़े हैं। पर जो मतलब माता हडिम्बा की करनी है, जो मैंने आपको इनकी करनी बताई, इनका समर्पण बताया, इनका बलिदान बताया, इन्होंने राजपाट सौंपा ना जी, और भी बहुत सी स्टोरियाँ हैं। पर स्टोरियाँ तो इतनी है माता हडिम्बा की जो ख़त्म नहीं होगी, कि माता ने क्या क्या किया है, आज के कली काल में क्या किया, द्वापर युग में क्या है, त्रेता में क्या किया, सतयुग में क्या किया। शक्ति की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति ही संचालन करने वाली है, शक्ति ही संसार को चलाने वाली है, शक्ति ही शिव को चलाने वाली है, शक्ति ही ब्रह्मांड को चलाने वाली है। शिव ब्रह्मा विष्णु सब इसके मतलब ये चरणों के अधीन है। शक्ति का बहुत बड़ा मतलब योगदान है पूरे ब्रह्मांड को चलाने में, ब्रह्मा विष्णु नागनारायण सब इसके अधीन है, महामाया त्रिनेत्रा, और जो उद्गम करने वाली ये शक्ति पराशक्ति है ना। शिव के शक्ति के बिना शिव अधूरे है ना, शिव के बिना विष्णु अधूरे है, विष्णु के ये विष्णु के बिना ब्रह्मा अधूरे है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल 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 सही। और मैं अपने जो युवा साथी हैं उनको भी संकेत करना चाहता हूँ कि भाई वो अध्यात्म की ओर थोड़ा बढ़ावा दें, जो हमारी संस्कृति है इसको भी, इसको थोड़ा अचूक तरीके से जानने की वो क्या करे, कोशिश करे है ना जी, कि वो इसकी गहराई में जाए। जो हमारा सांस्कृतिक जीवन है, जो हमारा मतलब पुश्तैनिक जीवन है, जो गतिविधियाँ हैं, जो हमारा देवनीति का जीवन है, उसमें अध्यात्म में जाने की कोशिश करूँ। बाकी अपनी पर्सनल लाइफ जो भी रखो, लेकिन कम से कम हमारा अध्यात्म है इसके बारे में नॉलेज रखो। बिल्कुल बिल्कुल, अपना जो सनातन धर्म है इसके अंदर जाने की कोशिश करो, क्योंकि ये ना गूढ़ रहस्य है, इसमें जितना अंदर जाएंगे आप ना उतना मीठा लगेगा आपको है ना। ऐसी लागी लगन मीला, मीरा हुई मगन, जब वो लगन लग जाती है ना, सब बाकी नशे सब फीके हैं, फीके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार उसका परमात्मा का परमेश्वरी का रंग चढ़ गया ना, फिर वो नशा कभी नहीं मिटता जन्मों जन्मांतर तक, बिल्कुल। बाकी सब नशे फीके, दो दिन का ऐश आराम
करके मजा नहीं है, प्रभु के भजन संकीर्तन में ही मजा है। उसको देखो, जानो, एक अध्यात्म में घुसो, योग में जाओ आप, है ना। अपने जो हमारे 7 चक्र होते हैं उनको अपने नियमित करने का वो मैं कोशिश करो, है ना। तो सब कुछ होगा, सब कुछ सफल है। इस जो हमारी दुनिया चली है, संसार चला है, इसमें सब कुछ सफल है अगर करना चाहे तुम लोग। अगर पुरुष करेगा तो ही होगा। 7 चक्र करेंगे, जागृत करेंगे तो अध्यात्म में जाएंगे, योग साधना में जाएंगे तो हर एक चीज का आपको निपुण रहस्य मिलेगा। क्या चीज है? अगर ये रहस्य जिसको मिलने लगा, उसने वो नशा कर लिया। बिल्कुल, उससे बड़ा नशा नहीं है। उससे बड़ा नशा कोई है? लगन का नशा एक ऐसा ना जिसका कोई तोड़ नहीं है। जी, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपका हमारे प्रोग्राम में। बाकी मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ वार्तालाप करके। बहुत अच्छा आनंद आया कि आप, क्योंकि आपका ये जो है ये अच्छा हो, आगे अच्छा चले और ज़्यादा से ज़्यादा आपके भी जो व्यूज बढ़े, लाइक बढ़े, और आप जो ये चले, आपने ये जो कार्य उठाया है, ये भार उठाया है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इस संस्कृति के बारे में जान रहे, लोगों को इतना ज्ञान दे रहे, मोटिवेट कर रहे लोगों को, है ना। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब लोग देखेंगे तभी तो इनके मन का जो है वो जागृत होगा कि हमारे संस्कृति क्या है, देव संस्कृति क्या है, क्या नियम विधि है, क्या कुछ है, वो सब कुछ उनको लग जाएगा पता। ऐसा करने से सभी का जीवन सफल होगा। बाकी माता रानी मंगल करे, कल्याण करे, सब काल हरे, कष्ट हरे, दुख हरे, दारिद्र्य हरे, जय जयकारा हो, सबका हो, बाकी सृष्टि का भला हो, है ना। बाकी बारिश भी आ जाए, है ना, सब कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल, जय हो प्रभु। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो से कुछ ज्ञान मिला होगा या वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, आपको लगा कि नहीं हम मॉडर्न ज़माने में तो जी रहे ही है, हम तो चलो ठीक है, आप देखो आप जीन पहनो, पैंट पहनो, हम भी वैसे पहनते बिल्कुल एकदम मॉडर्न रहते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है और जो अंदर हमारे अध्यात्म है वो जिंदा रहता है हमेशा। ये नहीं है कि हमने टोपी टेढ़ी पहनी है या ये पहना है तो हम जी अब बन गए मॉडर्न। मॉडर्न बनो बाहर से, जैसे मर्जी देखो फैशन करो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर जो हमारे देवी देवता है ना, जो अध्यात्म है हमारे अंदर, उसको मरने मत दो। अगर हमने अब आज मार दिया तो हमारे से आने वाली जो जनरेशन है उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा फिर। तो उसको अपने अंदर समाये रखो, देवी देवताओं को, सबके मन में भगवान है तो सबको, भगवानों को याद किया करो। जी बिल्कुल सत वचन आपका, क्योंकि भगवान मंदिरों में नहीं मिलेगा, भगवान हमारे है, सुंदर है, अंदर छिपा हुआ है। जरूरत है उस दिए को पहचानने की, कि वो दिया जला है कि बुझा हुआ है। अगर वो देख लिया तो समझ लो आपने पा लिया सब कुछ। सबसे बड़ा तो मेरा यही युवा साथियों को यही प्रेरणा रहे कि वो अपना टाइम टेबल बनाए और टाइम टेबल से चले कि इतने बजे ये मैंने ये काम करना है, इतने बजे मैंने योग करना है, इतने बजे मैंने खाना खाना है, इतने बजे मैंने ये काम करना है। एक डायरी रखो, डायरी में लिखो ये आज का ये काम है, ये काम तो करना ही करना। अगर इससे अगर आदमी चलेगा ना तो मैं यही देख रहा हूँ कि कोई असफल नहीं होगा। बिल्कुल चलो, बाकी देवी देवता तो है साथ में ही, आपको पता है। बाकी थोड़ा सा जागरूक हो जाए, अपना सांस्कृतिक जो भी जीवन है, जो भी आपकी देव नीतियाँ हैं, जो भी गाँव में है, शहरों में है, उसको संजोए रखें। यही हमारी सबसे बड़ी जो कमाया हुआ है हमारे बुजुर्गों का, पूर्वजों का, यही सबसे बड़ी चीज है। जी, संस्कृति को हमेशा संजोए रखें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके हमें लिख सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, और ज़रूर अगर हमें अच्छा आपका लगेगा ये कि आप लोगों को पसंद आ रही है देवनीति हमारी, इस कल्चर के बारे में बातें अगर आपको पसंद आ रही, तो ज़रूर नेक्स्ट टाइम भी कभी इन फ्यूचर माँ हडिम्बा ने चाहा तो आपके लिए बिल्कुल हमारे भाई ज़रूर आएंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के इस पॉडकास्ट को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, भाइयों, माता पिता में शेयर कीजिए वीडियो को, और देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ हडिम्बा, जय भोलेनाथ।